रामबन जिले के सबसे ज्यादा भूस्खलन प्रभावित इलाके पंथियाल में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने T5 टनल को तैयार कर लिया है और उसको आवाजाही के लिए भी अब शुरू कर दिया गया है। इस समय हम मौजूद हैं T5 टनल के अंदर और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो गाड़ी का आवाजाही है वो किस तरीके से स्मूथली चल रहा है। पंथियाल इलाके में इस टनल की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये वो इलाका है जो कश्मीर घाटी के साथ जोड़ता है जम्मू से श्रीनगर की तरफ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होता था, भूस्खलन होता था, जिसकी वजह से कई दिनों तक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद किया जाता था ताकि रोड को क्लियर किया जा सके। वहीं लंबी लंबी कतारें जो थी गाड़ियों की वो यहाँ पर लगती थी जाम की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से। क्योंकि अब ये टनल तैयार हो चुकी है, गाड़ियों की आवाजाही के लिए तैयार हो चुकी है और इस टनल की अगर बात की जाए ये तकरीबन 870 मीटर टनल है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ियों की आवाजाही जो है इस वक्त यहाँ पर चल रही है। आने वाले दिनों में बाबा अमरनाथ यात्रा की यात्रा जो है वो भी शुरू होने जा रही है और ऐसे में इस टनल के बनने से यात्रियों को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि इस इलाके में लंबा जाम होता था। यहाँ पर भूस्खलन की वजह से जम्मू का संपर्क कश्मीर घाटी से टूट जाता था। अब क्योंकि ये टनल तैयार हो चुकी है, आवाजाही गाड़ियों की इसमें हो रही है, इससे बनने से अमरनाथ यात्रियों को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ सेना को अगर जम्मू से श्रीनगर और जम्मू से लद्दाख तक अपना रसद पहुंचाना है तो अब सेना इसी टनल का इस्तेमाल करेगी और कुछ ही घंटों में कश्मीर घाटी और फिर ले लद्दाख की तरफ अपना रसद और जो जवान हैं वो इसी टनल के ज़रिए कश्मीर घाटी तक जाएंगे। तो कुल मिलाकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने T5 टनल का एक ट्यूब जो है वो तैयार किया है और उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा लोगों को मिला है और लोग इस टनल के बनने से काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए T5 टनल पंथियाल रामबन से। T5 टनल के बनने से यहाँ के वर्कर, यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर इस टनल के लिए काम किया है, इस टनल को बनाया है। इन लोगों से हम बात करेंगे। साहब आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद साहब ये बताइए, यूनुस साहब ये बताइए कि इस इलाके में सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होता था क्योंकि अब ये टनल शुरू हो चुकी है, थ्रू है, गाड़ियां हम देख रहे हैं, आवाजाही हो रही है, कितना फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर यहाँ के लोगों के लिए क्योंकि जाम नहीं रह रहा है और इस टनल की वजह से कितना फ़ायदा हुआ है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ यहाँ के बच्चों को, यहाँ के लोगों को, आने जाने वालों को, गाड़ी वालों को। जैसे आज का मौसम यहाँ का है तो जैसे ये मौसम आज का है, एक या आधा घंटा बारिश होती थी तो एक दो दिन के लिए रास्ता बंद रहता था। तो जो जिस कंपनी ने ये बनाया उसने बहुत कुर्बानी दी है, बहुत मेहनत की है और बहुत कठिन काम किया यहाँ का। और ये पूरे हिंदुस्तान में सबसे मशहूर जगह पंथियाल की है, कहीं भी जाओ और पंथियाल सबसे ख़तरनाक जगह मानी जाती है। जब से ये टनल खुला है तो तब से बहुत आराम हुआ है यहाँ के स्टूडेंटों को, यहाँ के आने जाने वालों को, गाड़ी वालों को। जैसे कोई टूरिस्ट आता है उसके लिए, कोई जैसे कोई बाहर से टूरिस्ट आता था यहाँ बंद रहता था, दोबारा वो आने की कभी वो सोच में नहीं रहता था। तो ये बहुत अच्छा हुआ जो ये टनल खुला है। कितना दिन रात आप काम करते थे? जी यहाँ पे डे नाइट काम चलता था मेरे को, तो यहाँ पे 2-3 महीने हो गए यहाँ पे काम करते हुए। ये है कि हमारा जितना मैं सीनियर स्टाफ है, जितना भी उन्होंने फर्स्ट काम खींचा, मतलब मेरे 3 महीने में उन्होंने पार कर दिया टनल। और मैन जो था यही टनल था पंथियाल, जो आपको मालूम ही है सबसे फेमस स्लाइडिंग आती थी यहाँ पे। यहाँ पे जानी और माली नुकसान बहुत हुआ है लोगों को, यहाँ के लोगों को भी तो, और नेशनल हाईवे पे जो भी लोग सफ़र करते हैं उनके लिए एक राहत की बात है, बहुत खुशी की बात है। हमारे देखते देखते यहाँ पे कितनी जाने गई है, तो ये बहुत दुखी दुखित बात थी। तो अभी
खुशी की खुशहाल अब खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। जब आप टनल में देखते हो कि गाड़ियां जा रही है, कितनी खुशी होती है? अभी हमारे ऊपर भी बड़ी खुशी की बात है, ये हम श्रीनगर के रहने वाले हैं, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात, हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं, हमने काम किया, हमको एक चैलेंज मिला था गवर्नमेंट की तरफ से कि इसको अपने टाइम से कंप्लीट करने के लिए, तो जो हम कर पाए इसको, हमने टाइम पे इसको बराबर ओपन कर दिया, टाइम पे ये टनल बना दी, और बड़ी खुशी की बात है, इसमें आज तक कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, कंपनी ने बड़ा साथ दिया, कंपनी ने बड़ी सही से इसमें काम कर लिया, जो जो आदेश हमको मिला था उस हिसाब से काम किया है, तो लोगों के ऊपर भी आज बड़ी खुशी है, क्योंकि हमने खुद देखा है कि रोड यहाँ पर अक्सर 10-10 दिन के लिए बंद रहता था, बड़े यहाँ पे नुकसान हो जाता था लोगों को, खासकर स्कूल बच्चे यहाँ के लोकल थे जिनके ऊपर बड़े नुकसान थे, टूरिस्ट को नुकसान था, और बड़े जाने की जगह भी गई हुई है, तो आज बड़ी खुशी है कि ये ट्रैफिक अब अंदर से चल रहा है, तो अब ये सेफली टनल हो गई है। खुश हो आप? क्या कहोगे, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से टनल तैयार की है? जी सर, बड़ी मेहनत से ये टनल तैयार हुई है, हमने यहाँ पे स्टार्टिंग से भी यहाँ काम किया है, हमने यहाँ के लोकल मजदूरों ने, बाकी बाहर के भी कुछ उन्होंने भी काम किया है, बहुत मेहनत लगाई है, और इसमें बहुत मेहनत लगी है क्योंकि इसमें कहीं लूज था, कहीं कहीं हार्ड था, तो उसमें भी मेहनत लगी है, तो लिहाजा अब खुशी की बात है कि टनल ओपन हो गया है, अब टूरिस्ट भी बेचारे आराम से चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो दो दिन तीन तीन दिन ये लोग फंसे रहते थे, बच्चे बेचारे बगैर खाने पीने के यहाँ फंसे रहते थे, तो उस वजह से अब इन लोगों के लिए आराम हो गया, बहुत सहूलियत हो गई कि वो भी आराम से चलेंगे और लोगों को भी बड़ी राहत मिली। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो वर्कर है, जिन्होंने यहाँ पे मेहनत की है, जो आम जनता है यहाँ की, वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। ये वो इलाका है, ये वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूस्खलन होता था, ये वो जगह है जहाँ पर लैंडस्लाइड के चलते घंटों तक जाम लगा रहता था, और कई बार कश्मीर घाटी का संपर्क जो है वो टूट जाता था, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड जो है वो आता था। क्योंकि अब ये टनल बन चुकी है, लोग काफ़ी ज़्यादा खुश है, और आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा जो है वो भी शुरू हो जाएगी, और ऐसे में अमरनाथ यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात जो है इस टनल को माना जा रहा है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए पंथियाल रामबन से।